मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? बस इसे सुन के सब पबजी लवर्स के मन में एक ही बात आई थी कि यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शायद पबजी खेलते होंगे और मोदी जी पबजी को फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मोदी जी बोले कि मित्रों, आज रात से पबजी बैन, तब उसी पबजी लवर्स के दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई थी कि हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। और पूरे इंडिया का हर एक माँ बाप, इंक्लूडिंग इन्हें, कि इनके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई, इतनी खुशी मुझे आज तक। ठीकी, तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों? तो अब तुम लोगों को पता है कि अब पबजी बैन हो चुका है, ये पुरानी न्यूज है। अब पबजी बैन होने के बाद सब देश के सारे लौंडे जो पबजी खेलते थे, अब पबजी बैन होने के बाद देश के हर एक लौंडा जो सिंगल था या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में था या जो भी था, जो पबजी खेलता था, वो सोचते थे कि यार मोदी जी को शायद 2024 की इलेक्शन नहीं जीतनी। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो मैं तुमको बताता हूँ कि तुम गुस्से में आके तुम चुतियापा करके मोदी जी को वोट नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारे खुद के माँ बाप और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उन तीनों का वोट मोदी जी के पास जाएगा। तो मेरी बात समझो, ये क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो। और मेरा तो ये मानना है कि 2024 का इलेक्शन मोदी जी के जीतने का चांस ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने पबजी को बैन करके इंडिया के हर एक माँ बाप के दिल में सुकून और खुशी के लहर सी दौड़ा दी। खैर यार, मजाक को छोड़ के सीरियस बात पे आते हैं कि पबजी का 10% जो शेयर था, वो तुम लोग जानते हो कि चाइनीज कंपनी थी टेंसेंट, उसके पास उसने इन्वेस्ट की थी। अब 10% सुन के तुम लोगों को लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन इससे चाइना को कहीं हजार करोड़ रुपए कमाता था वो। इतना पैसा तुम गेम खेल रहे हो उससे कमाता था चाइना, और वो बुलेट बनके हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर जवान हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनके सीने में लगता था। तो यार, पबजी बैन हुआ, इसमें हम लोगों को सरकार को फुल सपोर्ट करना चाहिए, और ये हमारी प्राइवेसी को भी लीक कर रहा था, समझने की कोशिश करो। ऐसे चुतिया पे मत करो कि यार पबजी बैन हो गया अब मेरा क्या होगा, ऐसा मत करो। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको सपोर्ट करो। देखो यार, मैं भी पबजी खेलता था, पबजी मेरा भी प्यार था, मैं सिंगल लौंडा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं, और पबजी ने ही मेरा हाथ हमेशा पकड़ा था। लेकिन क्या करे, सरकार ने जो फैसला लिया है उसे तो मानना ही होगा। और सबसे बुरा तो उन लोगों को लग रहा है कि जो अपने माँ बाप से ट्यूशन फीस के नाम पे पैसे लेकर पबजी के रॉयल पास खरीदता था, और वो तो इतने बड़े चूतिए है ना। अगर तुम में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुम लोगों के लिए बात बताना चाहता हूँ कि देखो, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनाने से तुम एक प्रो प्लेयर नहीं बन जाते हो। ये खुद को इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना के ये खुद को प्रो प्लेयर समझते हैं, तो मेरी बात सुनो, तुम सबसे बड़े चूती हो। एक प्रो प्लेयर बनने के लिए तुम्हें स्किल चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, जो तुम्हारे पास कतई नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि यार पबजी बैन हो गए अब हम खेलेंगे क्या, अब हमारी जिंदगी में क्या होगा, पबजी के अलावा तो कोई गेम ही नहीं है। अरे भाई,
इतने सारे गेम है प्ले स्टोर में, तुम अगर सर्च करके देखोगे कई कई के नाम तो मैं भी बता देता हूँ। तुम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हो, तुम फ्री फायर खेल सकते हो। रुको 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 एक सेकेंड, अगर किसी ने भी कमेंट किया ना यार मैं पबजी खेलता हूँ, मैं फ्री फायर कैसे खेलूँ यार, यार चूतिया गेम है, मेरी बात सुनो। अगर तुम सच में गेम के फैन हो ना तो तुम कोई भी गेम में अपना नाम कमा सकते हो, तुम्हें गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुम सच में एक ट्रू गेम लवर हो, इसी चुतिया पे के कारण स्काउट को सभी ट्रोल कर रहे कि वो पबजी क्यों नहीं खेलता। अरे वो पबजी कैसे खेलेगा भाई, वो पबजी तो बैन हो गया है। और जो चुतिया लोग वीपीएन में पबजी खेल रहे ना, वाह तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो जवान हमारे बॉर्डर में अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करके तुम्हारी गांड की हिफाजत के लिए वहां पे खड़े हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मर रहे हैं वहां पे, और तुम अपने देश के लिए एक गेम भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इतने इतने सेल्फिश हो तुम। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे फ्री मोबाइल गेम्स के बारे में बताता हूँ। सुनो ये गेम मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा गेम है। तो पहले तुम खेल सकते हो डेड इफेक्ट 2, गैंगस्टर 4, एस्प्लेनेट 9, मॉर्टल कॉम्बैट। और अगर तुम्हारे मोबाइल पे मेमोरी कम है तो तुम नोवा डेमो, गॉड्स ऑफ रोम, डेड वॉरफेयर भी खेल सकते हो। मतलब बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छा गेम प्ले है, बिल्कुल तुमको जिंदगी में मजा आ जाएगा। मैंने लॉकडाउन में ये सारी गेम खेली है और मैंने तो बड़ा एंजॉय किया है। अब देखो यार, मैंने इतना सारा गेम का नाम मैंने बता दिया है, तो इस बात के लिए तो एक लाइक तो बनता है, और खेल के बताना कमेंट करके कैसा लगा। तो मेरी बात सुनो, अपने जिंदगी में वैरायटी लाओ, हर दिन एक ही टाइप का कौन देखते हो क्या, तो मजा नहीं आता ना। जिंदगी में वैरायटी मांगता है, हर दिन तो एक टाइप का कौन देख के तो नहीं हिलाते हो ना, कभी कभी तो चेंज भी करते हो ना, कभी मिया दीदी, कभी डैनी दीदी, कभी सनी दीदी, कभी जॉनी भैया, कभी कोई दूसरा। तो मेरी बात समझो, गेम की भी वैरायटी लाओ ताकि जिंदगी में मजा आए। मे भी जिंदगी में मजा बरकरार रहना चाहिए। एक चीज अगर तुम हजार बार खेलोगे, अगर तुम्हें बिरयानी खाना पसंद है तो तुम्हें हर दिन तुम्हें सिर्फ बिरयानी खिलाई जाए तो तुम्हें बिरयानी भी तुम्हें करेला लगेगा। तो मेरी बात सुनो, अपने लाइफ में वेरिएशन अपने को मांगता है, वेरिएशन लाओ। और पबजी बैन होने के बाद तो कुछ टिकटॉक ही हो, जो टिकटॉक स्टार थे वो सब कह रहे थे कि देखो देखो हमें कैसा लगता है, तुम लोगों ने टिकटॉक बैन पर हमें कितनी ताने सुनाई थी, कितने हंसे थे, अब हम हंसेंगे। तो मैं उन चूतियों को बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, जब तुम लोग टिकटॉक पे थे तो तुम लोग वहां पे काफी चुदाप मचाए तुमने, और वैसे भी टिकटॉक पे 99% ही टट्टी कंटेंट बनता है, टट्टी प्योर टट्टी और क्रिंज से भरपूर। कोई खाना खाके, कोई साड़ी पहन के, कोई गरीबों वाला सेक्स चेंज ऑपरेशन करके, और कोई सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी और वल्गरिटी दिखा के फेमस हो रहा है। मतलब कोई मेहनत वो क्या है, वो तो मतलब कोई चीज ही नहीं है। मतलब हम यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे वीडियो की स्क्रिप्टिंग एडिटिंग करके एक हफ्ते में एक वीडियो ला पाता हूँ, और वो उसमें भी मुश्किल से मेरे को 10-20 व्यूज मिलते हैं, और वहाँ पे सिर्फ अपनी गांड मटका के 1-2 मिलियन फॉलोअर्स लेते हैं। और तुम इतने कॉम्प्लेन क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हारा पास तो वो मार्क जुकरबर्ग भाई साहब ने तो इंस्टाग्राम रील लाया था ना, वहाँ पे भी तुम हग रहे हो। आ रहा है वीडियो, आ रहा है, चिंता मत करो, आ रहा है वो, उस पर भी आएगा वीडियो। और पबजी ने हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे गेमर दिया है, जैसे कि मॉर्टल, डायनामो, स्काउट, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कंट्री का नाम रोशन किया है। तो तुम यार पबजी से तो टिकटॉक को कंपेयर तो मत ही करो, पबजी से टिकटॉक को कंपेयर करने का मतलब ये कि चाँद का कंपेयर अपनी गांड से करना, सीधी सी बात है। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तुम लोग जो भी पबजी को मिस कर रहे हो, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया का पबजी आ रहा है, जिसका नाम है फौजी, जो अक्षय कुमार ला रहा है, उस पे फुल सपोर्ट करो उसको, हमारे गेमिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टेप है। इतने दिनों बाद इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री को लोग सीरियसली ले रहे हैं, और गेमर्स को लोग सीरियसली ले रहे हैं,
और इस फौजी गेम के सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हमारे देश के जवानों को जाएगा, और अक्टूबर के अंत में ये गेम आ जाएगा, तो यार जरूर खेलना, मैं भी खेलूंगा, तो फुल सपोर्ट करना, क्या पता ये पबजी को भी पीछे छोड़ दे, क्या पता, हम तो होप बेस्ट ही कर सकते हैं, हम तो अच्छे अच्छा ही सोच सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चूतिए ये कह रहे हैं कि देखो नेशनलिज्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो अपने अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं, जिनके गांड में कुछ गुदा नहीं है, वो कह रहे हैं कि यार इस फौजी गेम ने अपना पोस्टर किसी दूसरे गेम से कॉपी किया है। तो मेरी बात सुनो, और उस गेम का टीजर पोस्टर है जो कॉपी किया है, तुम बोल रहे हो ना, वो ओरिजिनल कंपनी से उसका पोस्टर का कॉपीराइट उसने खरीदा है, उसने पैसे देकर खरीदा है, और वो मेन पोस्टर नहीं है, मेन पोस्टर आखिर में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, और गेम प्ले भी थोड़ी देर बाद आएगा, तब देखना। और वैसे तुम लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, फिर यही लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में डूम, हेलो, आउटलास्ट जैसी गेम क्यों नहीं बनती। अरे चूतियो, तुम अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो इसलिए नहीं बनती। मैं बता रहा हूँ, अगर इस मोमेंट पे जब इंडिया अपने आत्मनिर्भर होके खुद का गेम बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि दुनिया के बेस्ट गेमिंग कंपनी से खुद को कंपटीशन में लाए, अगर इस टाइम हमने सपोर्ट नहीं किया ना, तो कभी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कर सकते। और ऐसा मत बोलना कि अभी भी सक्सेस नहीं मिला है हमारे देश को। राजी गेम मैंने अभी भी नहीं खेला है, मैंने सुना है लोगों से बहुत अच्छा है। तो यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ फौजी गेम खेलने के लिए। अब तुम लोग भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग भी एक्साइटेड हो कि नहीं। तो चलो यार, इसी नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अब तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वो जो लाइक वाला बटन है उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि तुम इस जोकर की बकचोदी और देख पाओ, और इस सर्कस के हर एक शो का नोटिफिकेशन पाओ। उसके लिए तुम्हें वो जो घंटा बन के आएगा बाजू में, उसको दबाना पड़ेगा। चलो अब मैं भी चलता हूँ यार। ए बंटी, ए आउटर लगा यार इनके लिए।